कानपुर में 73 वर्ष का एक बुजुर्ग न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खाकर अब मीडिया का दरवाजा खटखटाया है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए थाना बिदनू क्षेत्र के जामू गांव के निवासी राम प्रताप सिंह ने बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी करके 25 मार्च 2022 को आरोपी विशाल वर्मा ने अपनी पत्नी को विक्रेता बनाकर जमीनों का बैनामा व इकरारनामा कराया, परंतु अब तक कोई पैसा नहीं दिया। इस पर राम प्रताप ने FIR दर्ज की तो उल्टा पुलिस द्वारा बुजुर्ग पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि विशाल के साथ महेंद्र सिंह, सागर परमार, उसके दो साथियों ने भी इस धोखाधड़ी में साथ दिया है। इन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि उनकी जमीनें वापस मिल सके। कि हमारी जमीन पिताजी के नाम थी और वो हमें पक्का 1100 करवाना था, यानी हम लोगों के नाम, तीनों भाइयों के नाम करवानी थी। ये वकील साहब ने हमको छल पूर्वक वहाँ से कि हम आपका पक्का 11 करवा देंगे और ये कचहरी में लिवा करके आए, हमसे जो है कुछ सारे पेपरों में साइन इन करवाए, कुछ लिखित तौर पेपरों में करवा करके, और इस प्रकार सारी ज़मीन सब अपने उस पर कुछ क्रय पत्रों पर और कुछ विक्रय पत्रों पर सब करवा लिया है। हमको बाद में जानकारी जब इसकी हुई तो हमने एक FIR किया। FIR को भी उन लोगों ने वहाँ थाने में जा कर के वहाँ के सब थाने लोगों से मिल करके किसी तरीके से फिर FIR लगवा दिया। फिर हम लोग यहाँ कोर्ट में फिर आकर के उसका जो है हमने लोगों ने डाला कि हम लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने यानी बिना सबूत के ही सब उन्होंने लगा दिया था, बिना पूछे बताए ही किसी से, ना किसी का बयान लिया ना कुछ लिया, और सब हमारे खिलाफ FIR लगाया। तब कोर्ट ने वहाँ से फिर पुनः जाँच के लिए फिर नौबस्ता थाने के लिए वहाँ पर उन्होंने भी भेज दिया है। अब वो इतने दिनों से काफ़ी हमारे कम से कम ये 1.5-2 साल हो चुके हैं और हम लोग भटक रहे हैं इतने दिनों से, हमारा सारा पूरा परिवार भटक रहा है, सारे बच्चे भटक रहे हैं, और हमारी संपूर्ण ज़मीन पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं ज़बरदस्ती।